Да. ये चिपक गया है, गीला हो गया। हाँ अब हो जाएगा जहां तक लग रहा मुझे ठीक। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र पुजारी राउत लेकर आया एक नई वीडियो। आजकल अक्टूबर नवंबर में हमारे पहाड़ों में खेती का और बहुत काम होता है और घास कटाई भी होती है, जिस कारण से माताएं बहनें एकदम बिजी रहती है दिन भर, बहुत थकान महसूस करते होंगे वो, मैं समझ सकता हूँ। तो इस सिलसिले में हमारी धनपत्नी ने कहा कि मेरे हाथ में कांटे चुभे हैं और कटा हुआ है, मेरे से आटा नहीं गोदा जा रहा है, तो कौन गोदेगा? तो मैंने कहा मैं गोदूंगा और मैंने कोशिश की है, बहुत मज़ेदार कोशिश की, आप भी देखिए। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पहाड़ों में असोज कार्तिक में घास की कटाई होती है, जिसके चलते हुए माताएं बहनें दिन भर सुबह से शाम तक घास काटते हैं और उसको सुखाते हैं, जमा करते हैं, उसके बाद लोटा यानी खोमा लगाते हैं। तो इस सब करने में उन लोगों के हाथों की बहुत बुरी दशा होती है, हाथ कट जाते हैं, छिल जाते हैं, कांटे चुभ जाते हैं। उसी सिलसिले में धर्मपत्नी ने कहा मुझे कि मेरी उंगली कटी हुई है और उसमें कांटा चुभा हुआ है, तो मेरे से आटा नहीं गूंदा जा रहा। तो बोला आटा कौन गूंदेगा? तो मैंने कहा मैं गूंदूंगा ना। तो दोस्तों मैं उठता हूँ फ्रेश होके और आटा गूंदने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ, आप बने रहें और देखिए क्या क्या होता आगे। और ये मैं आटा निकाल रहा हूँ, ये आटा निकाला मैंने, ये हमारे लकड़ी का चूल्हा, क्योंकि यहाँ पे ग्वालदा में बहुत ठंड होती है, लिहाजा बिना लकड़ी चूल्हे के यहाँ का जीवन बहुत कष्टदायी होगा सर्दियों में, खासकर सर्दियों में। तो और मैं चूल्हे के एकदम नज़दीक बैठा, ठंड हो रही बहुत, आटा गूंदने की तैयारी मेरी। और ये डाला मैंने पानी, अब देखते हैं कैसा होता है। और ये गूंद रहा हूँ मैं, पानी डाल रहा हूँ। थोड़ा मैं पिस्तौल डाल दिया आज वो तीन आज वो राशन तो घर में मुझे हो गया है, मैं देख तो सब हो गया, ये गीला हो गया था। तो ये अब ये आटा लाया हूँ मैं, अब इसमें आटा डालूंगा थोड़ा सा, ये और तो बस इसको दे दूँ क्या पुण्य तो कर रहा है अब ये सुधर गया हूँ, ऐसे ही हो रहा है। अब रोज मैंने कौन सी प्रैक्टिस कर रखी है, सब बना बनाया खाना खाया दो सार चारों तरफ हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा ये। तो आखिरकार सवा घंटे की जिद्दोजहद के बाद मैं आटा गूंदने में सफल रहा, लेकिन इसमें देखने वाली एक बात है कि चार आदमियों का आटा गीला होने के कारण इसमें मैं सूखा आटा मिलाते गया, तो ये आठ आदमियों का हो गया। तो फिर भी गूंदा तो गया, कोशिश की हुआ। और आप लोग भी एक उत्तरी ये तो चलो कोई नहीं, होता है, अभ्यास किया, प्रैक्टिस की तो सफल हुआ। आप भी जरूर माताओं और बहनों की रसोई में मदद किया करें। तो काम हो गया अब, और मैं उठता हूँ।